हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी तक। गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी बहाली होने वाली है 2019 की, एंड टोटल पोस्ट देख सकते हैं। कुल पदों पर जो बहाली होगी 4,858 पोस्ट पे बहाली होने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें गाइस, तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। आप इसको इसके लिए अप्लाई आप लोगों को करनी ही चाहिए। एंड यहाँ पे आप लोगों को दोबारा मौका मिला है, ऐसा तो वैसे बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोबारा मौका कैसे मिला है ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। एंड अभी अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों की सैलरी क्या होने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्या फॉर्म फीस आपको पे करना होगा, सब डिटेल से बताना चाहूंगा। एंड लास्ट डेट से पहले आप लोगों को फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है, क्योंकि इस वैकेंसीज के लिए जो डेट दिया जाएगा आप लोगों को सिर्फ 3 दिन का डेट मिला है। और मैं बता दूं कब तक लास्ट डेट है ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर सकते हैं। एंड एक यूजुअल अपील आप लोगों से और भी करना चाहूंगा गाइस, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट डेली बेसिस पर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। एंड मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहूँगा जो एसएससी के द्वारा जारी किया गया है। एंड उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइज। सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ। गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि मैंने थंबनेल में मैंशन किया हुआ है कि आप लोगों को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन करने के लिए। देखो, ये वैकेंसी जो आई थी 20/6/2019 को आई थी, एंड लास्ट डेट जो है इसका था 8/7/2019, पिछले महीने को 8 तारीख तक ही था, उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाए, तो डिपार्टमेंट का जो मजबूरन जो है डेट्स आगे बढ़ाना पड़ा। एंड अब जो डेट्स कर दिया गया है, 10 तारीख को जो है री ओपन हो चुका है, इसी 10 को आज ही जो है री ओपन हो चुका है एप्लीकेशन होना। एंड 13 तारीख तक जो है आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर पाएंगे। सिर्फ 3 दिन का टाइम आप लोगों को दिया गया है, 3 दिनों के अंदर जो है आप लोगों को इस फॉर्म का वैकेंसीज को फुलफिल कर लेना है, ऑनलाइन कर देना है। एंड बात अगर हम फीस की करें, फीस जो आपको पे करना होता है वो 16 तक करना, 16 तारीख तक आपको फीस पे कर देना है। अगर उसके बाद करेंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट्स के बारे में तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, सिर्फ 3 दिन का टाइम मिला है, 10 से स्टार्ट हो चुका है, 13 तारीख तक ही आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे, 16 तारीख तक फॉर्म फीस आप पे कर पाओगे। टोटल पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, 4,858 है, यानी एचएससी है, हरियाणा एसएससी की है, हरियाणा की एसएससी जो वैकेंसी आई है उसमें है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो प्रोसेसिंग का जो आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा वो आपका एग्ज़ाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला, राइट। एंड आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा री ओपन किया गया है एप्लीकेशन होना। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके बारे में आपको जाननी ही चाहिए, जैसे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दूं, तो क्वालिफ़िकेशन अगर आपने 10+2 पास की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मैट्रिक पास किया है, 10th पास किया है, तो उसमें हिंदी या संस्कृत होना कंपलसरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात अगर सैलरी की करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल सैलरी जो बनने वाली है 19,900 रुपये आप लोग को सैलरी मिलने वाली है। एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में बता दूँ तो एज रिलैक्सेशन जो है 17 से 42 साल के इसमें बताया गया है, लेकिन आप जिस किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC OBC ST, तो आप उसको जो है रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एंड अब हम बात कर लेते हैं फीस की, फीस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज कीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल है, तो 100 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बताया गया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंड यहाँ पे अगर आप हरियाणा से हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप SC BC EWS कैंडिडेट हैं, अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो मेल को 25 रुपीज़ एंड फीमेल को जो है 13 रुपीज़, सिर्फ 13 रुपीज़ फीस पे करना है। फीस तो बहुत ही कम है इस पोस्ट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है अप्लाई करनी चाहिए। सिलेबस वगैरह आप देख लेना, PDF का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके सिलेबस के बारे में देख सकते हैं। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आई उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एंड गाइस, एक बार और आप लोगों को अलर्ट करना चाहूँगा, सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के 13 तारीख तक आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर ही देना। एंड गाइस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।